सुल्तान मुराद सोमवार व उस्मानी सुल्तान। मुराद सालिस 4 जुलाई 1546 को पैदा हुआ। मुराद सालिस सुल्तान सलीम दोम का बेटा था। 1557 में 11 साल की उम्र में सुल्तान सुलेमान ने इसे अकशहर का गवर्नर मुकर्रर किया। 18 साल की उम्र में इसे सरहान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1567 में जब सलीम दोम तख्त नशीन हुआ तो इसने मुराद को मनीसा सूबे का गवर्नर बनाया। 1574 में मुराद सालिस सुल्तान बना। 1569 में इसका वजीर सोकोलो मोहम्मद पाशा कत्ल हुआ। 1576 में मराकिश का हुक्मरान अब्दुल मालिक उस्मानी सल्तनत का बाजीगर बना। अहमद उल मंसूर की बिना पर 1582 में मराकेश खुद मुख्तार बना। मुराद ने 1578 से 1590 तक ईरानी सफवी हुक्मरान से जंग की। अफ्रीकी मुल्क मगादेशु तक उस्मानी इक्तदार चला गया। मुराद सोम ने बरतानिया की मलका अल्जबित अव्वल के साथ मुआहिदा किया। मुराद सालिस के 22 लड़के और 28 लड़कियाँ थी। सुल्तान मुराद मुताले का बहुत शौकीन था। मुराद सालिस फन मुसव्वरी का भी सरपरस्त था। सुल्तान मुराद सालिस 1595 में फौत हुआ और आया सोफिया से मुंसलिक जगह दफन हुआ।